क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट टेन इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5। ये प्रूव करना है। अब देखना है जरा सा, ये आपका LHS है, ये आपका RHS, तो LHS से चलेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, RHS पार्ट। लेकिन RHS हम RHS पास आ नहीं सकते, थोड़ा कठिन है उधर से आने के, ठीक है ना। इधर से क्या है आसान हो जाता है, मतलब हम लोग चलेंगे LHS 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है क्या, 10 इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। हम इसी फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। देखो ये 10 इनवर्स ये हो गया x और ये 10 इनवर्स y, ये क्या हो गया आपका y। फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 10 इनवर्स x प्लस y, x क्या हो गया बोलो, x क्या हो गया, x हो गया 2/11 प्लस y 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स कितना है बोलो, वाई कितना है 7y। अब इसको सॉल्व करूं, देखो इसका हम एलसीएम करते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 11 और 24 का, 11 × 24 कर लेते हैं, ठीक है ना। 11 से 11 कट गया, अब 24 × 2 क्या हो जाएगा बोलो, 48। फिर 24 कैंसिल हो जाएगा, 24 कैंसिल हो गया, 11 × 7 क्या हो जाएगा बोलो, होगा। अब देखना है फिर यहाँ नीचे करते हैं, 11 × 24 हुआ, 11 × 24 को 1 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 × 24 होगा। और फिर माइनस इससे ये कट गया, ये 7 × 2 ये और ये गया। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 10 इनवर्स 48 और 77 7, 8 कितना होगा 15, बाकी 1, 7, 4, 11, 1, 12 इसको गुणा करो, 24 को 11 करोगे 264 माइनस कितना 14, अब बोलो कितना आया यहाँ पर 125 बाय क्या होगा बोलो, 250 होगा जी, काटो कितने बार में, दो बार में काटा, कितना आया बोलो 1/2। देखो यही प्रूफ करना था तो क्या हो गया, RHS प्रूफ हुआ, जल्दी से